सो टेक फैमिली, आज हम बात करेंगे लैपटॉप की। तो अगर आपका बिल 45,000 है ना यार, आज मैं आपको टॉप 4 लैपटॉप बताने वाला हूँ जो कि पैसा वसूल हो जाएंगे अगर आप इस मंथ इन लैपटॉप को बाय कर लेते हो। तो अभी बात करते हैं नंबर 4 की। सो यार नंबर 4 की बात करूँ, नंबर 4 पर मैंने रखा है लिनोवो की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूँ लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 की। अगर मैं इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले प्राइस रेंज से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लैपटॉप ना आपको 43,000 के प्राइस रेंज में अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे जा सकता है, आपको 45,000 के प्राइस रेंज में भी मिल सकता है, 42,000 के प्राइस रेंज में भी ये लैपटॉप मिल सकता है। तो अगर मैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको 15.6 इंच के साथ फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, आईपीएस डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर पैनल के साथ देखने को मिल जाती है। प्लस ये ना आपको 200 निट्स ब्राइटनेस के साथ देखने को मिलेगी, 8GB रैम मिल जाएगी। प्लस आपको ना इसमें रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, 12GB रैम आप अपग्रेड कर सकते हो। प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, नॉर्मल SSD नहीं मिलती, आपको NVMe SSD देखने को मिल जाती है जो कि डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। i3 11th जनरेशन के साथ ये लैपटॉप मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज 10 मिल जाती है, फ्री अपग्रेड भी मिल जाता है, एमएस ऑफिस वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, इंटेल अल्ट्रा एचडी ग्राफिक कार्ड मिलेगा, 6 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर मैं अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, आपको 720p वेब कैमरा मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, मतलब आपको रैपिड चार्जर देखने को मिल जाएगा, आपके लैपटॉप को 80% चार्ज कर देगा सिर्फ 1 घंटे में। अगर मैं अदर स्पेसिफिकेशन की और बात करूँ तो यार आपको ना पोर्ट्स वगैरह इसमें सारे मिल जाएंगे, HDMI पोर्ट हो गया, USB पोर्ट हो गया, माइक्रो SD कार्ड रीडर वगैरह हो गया। प्लस आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3 के। अगर आपको इस लैपटॉप की ओर जाना है, मैंने आपको बाइंग लिंक दे दिया। अगर आपने चेकआउट करना है, बाय करना है, या जैसे भी स्पेसिफिकेशन वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अभी ज़्यादा समय खराब नहीं करते, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सो नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पर यार मैंने रखा है HP की ओर से लैपटॉप। मैं बात करूँ HP 15S की। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ तो आपको 44,800 के प्राइस रेंज में अभी अवेलेबल है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ठीक है। 15.6 इंच के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, HD डिस्प्ले, IPS एंटी ग्लेयर पैनल के साथ मिलेगी, 250 निट्स ब्राइटनेस के साथ देखने को मिल जाती है। तो यार डिस्प्ले जो है ना इसकी आपको एवरेज देखने को मिलती है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है आपको सही मिल जाते हैं अगर आपको HP का ही लैपटॉप चाहिए, वो भी अगर आपका बिल 40,000 से लेके 45,000 है तो इस प्राइस रेंज में ये आपको स्पेसिफिकेशन अच्छे प्रोवाइड कर देता है। 8GB रैम प्लस 16GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, 512GB आपको SSD मिलेगी, प्लस इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 देखने को मिल जाती है, 2019 वर्जन आपको MS Office में मिल जाएगा, Alexa बिल्ड इन मिल जाता है, Intel Ultra HD ग्राफिक कार्ड मिलेगा। अदर फीचर्स की बात करूँ, 720p वेब कैमरा मिल जाता है, पोर्ट्स सारे मिल जाएंगे, 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, एंड ये 2 कलर्स में देखने को मिलता है, सिल्वर कलर में एंड ब्लैक कलर में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए, HP 15S केस में आपको HD डिस्प्ले मिल जाती है। मैं आपको रिपीट करने वाला हूँ, अगर आप 45,000 से 1-2 हज़ार ऊपर चले जाते हो तो आपको HP 15 देखने को मिल जाता है जो कि फुल HD डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है। वो आपके बजट पे डिपेंड है, अगर आपका बजट 45,000 से कम है तो आप HP 15S की ओर जा सकते हो, लेकिन अगर आप बजट ज़्यादा ऊपर लेकर जा सकते हो, 1,000-2,000 आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, एंड अगर आपको HP का ही लैपटॉप चाहिए तो मेरी ओर से आप HP 15 की ओर जा सकते हो। स्पेसिफिकेशन आपको सारे सेम नहीं लगे, बस उसमें आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पे यार मैंने रखा है डेल की ओर से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूं डेल वोस्ट्रो 3400 14 इंच की। तो यार अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूं, 14 इंच मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको 14 इंच के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फुल HD डिस्प्ले है, i3 11th जनरेशन के साथ मिलेगा, 8GB रैम मिल जाता है, 16GB रैम इसमें भी अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको 256GB SSD मिलेगी, इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक कार्ड मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 देखने को मिल जाता है, फ्री अपग्रेड भी मिल जाएगा, MS Office मिल जाता है। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, पोर्ट्स वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे, 2021 मॉडल है, प्लस इसमें ना आपको SSD एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, आपको 256GB SSD मिलती है, लेकिन आप अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर SSD की या स्टोरेज की।
तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया डेल वोस्त्रो के। मैं आपको बता दूं डेल की और से लैपटॉप में ना इतने प्राइस रेंज में ये स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता, आपको अभी मिल रहा है। अगर आपने बाय करना है, मैंने इसका भी जो बैंक लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया भाई। अगर आपने चाहे ऑर्डर करना है, अगर आपने बाय करना है एंड अगर आप डेल लवर हो तो आपके लिए ये लैपटॉप ऑफर चॉइस हो सकता है, चाहे ऑर्डर कर लेना, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड लैपटॉप करने वाला हूँ ना, जो नंबर वन पर रखा है, वो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। वो क्यों करने वाला हूँ आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं नंबर वन की। नंबर वन की बात करूं, नंबर वन पे यार मैंने रखा है लिनोवो की और से लैपटॉप। मैं बात कर रहा हूं लिनोवो थिंकपैड E14 की। अगर इस लैपटॉप की बात करूं ना तो आपको 43,990 रुपीस के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। 14 इंच के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगी, Ryzen 3 देखने को मिलेगा यार इसमें 5300U के साथ। मैं आपको बता दूं यार इसका प्रोसेसर ज़्यादा बेस्ट है एज कंपैरिजन किया जाए i3 11th generation के साथ। 8GB रैम मिल जाएगी प्लस इसमें 24GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यार आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 24GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर भी प्लस पॉइंट आएगा। प्लस इसमें ना आपको 512GB SSD देखने को मिलती है, नॉर्मल SSD नहीं मिलती, NVMe SSD देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको DOS देखने को मिलेगा, AMD Radeon ग्राफिक कार्ड मिलेगा। अदर स्पेसिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं तो आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, जो मैंने आपको पहले लैपटॉप बताए उन सभी में से बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बेस्ट है। 720p वेब कैमरा मिलेगा, पोर्ट्स आपको सारे मिल जाएंगे, 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, 1 साल की वारंटी मिल जाती है, फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी देखने को मिल जाता है लिनोवो थिंकपैड E14 में। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया लिनोवो थिंकपैड E14 के। तो यार इसमें ना आपको ऑपरेटिंग सिस्टम DOS देखने को मिल जाता है, तो आप लाइक क्रैक वर्जन भी इंस्टॉल करवा सकते हो। वो 250 से 300 में कहीं भी आप कैफे जाओगे ना, वहाँ पर आपको वो इंस्टॉल कर देगा। अगर आपको लाइक ओरिजिनल वर्जन लेना है तो 1000 के प्राइस रेंज में आपको विंडो देखने को मिल जाती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है यार। इतने प्राइस रेंज में आपको लाइक Ryzen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि सच में बेस्ट है। उसके बाद रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो भी 24GB एंड आपको 12 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें सच में मैटर करती हैं एंड आपको अंडर 45,000 देखने को मिल जाता है। लिंक मैंने दे दिया, अगर आप ये वीडियो 1 या 2 मंथ के बाद देख रहे हो, मेरे को नहीं पता कि आपको ये डील मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अभी ये डील मिल रही है। मैं आपको प्राइस वगैरह भी शो कर दूंगा वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। तो यार अभी मैंने आपको 4 लैपटॉप बता दिए जो कि अंडर 45,000 सच में पैसा वसूल है यार। इनमें से जो आप बाय करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन मेरी ओर से आपको रिकमेंड ये है कि आप लिनोवो थिंकपैड E14 की ओर ही जाना, बिकॉज वो स्पेसिफिकेशन ज़्यादा अच्छे प्रोवाइड कर रहा है आप सभी को। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।